देखो सुनंदा, डॉक्टर ने हमें जो कुछ बताया है उसके बारे में शुभम को कुछ मत बताना, इस तरह उस पर साइकोलॉजिकली बुरा असर पड़ेगा। ये लो शर्ट पहन लो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज, इस वक्त हमें उसका हौसला बढ़ाना है, हिम्मत बांधनी है, समझी? तुम इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही हो और अब तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। तुमने पूछा ही कब था? लो अब पूछता हूँ, बता दो। मेरा नाम है ज्योति। ज्योति जो मेरी आंखों से चली गई? मैं तो अभी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ, जिस ज्योति की बात तुम कर रहे हो वो भी तुम्हारी आंखों में जल्द ही आ जाएगी। ज्योति ठीक कह रही है बेटा, तुम्हारी आंखों की ज्योति जरूर आएगी। पापा आप? हाँ बेटे, तुम्हारी मम्मी भी साथ आई हैं, आओ। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटे, फिर से देखने लगेगा। डॉक्टर ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है। हाँ बेटे, इन आंखों से अगर मैं आपको नहीं देख सकता तो क्या हुआ माँ? मन की आंखों से तो मैं आपको हर पल देखता हूँ। नहीं मेरे लाल, तो इन आंखों से भी देखने लगेगा मुझे, अपने पापा को, इस पूरे संसार को। तो घबराना नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, थोड़े दिन में तुम्हारा एक माइनर सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जूस का ग्लास ला, मैं दे देती हूँ। ये लो बेटे। माँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ भगवान ने हमारे साथ किस तरह सिलसिलेवार ये खेल खेला है। नहीं बेटा नहीं, हम सबके साथ वही हुआ है जो हम सबकी तकदीर में लिखा था। देखो अब तुम पिछली बातों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ और इस सच्चाई को सच मान के चलो कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो अपने नए जीवन की शुरुआत किस तरह करोगे। अपने नए जिंदगी की शुरुआत ये नेहा के साथ करेगा। ये अच्छा होकर एक बार घर तो आ जाए, सबसे पहले मैं इसकी शादी करूंगी। हाँ, हाँ। नहीं माँ, मैं शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक रचित भैया रिहा नहीं हो जाते। तुम्हें याद नहीं माँ उन्होंने क्या कहा था? कि वो मेरी शादी पे इतना नाचेंगे कि सारी दुनिया सर पे उठा लेंगे। मामा, अगर आप दोनों मेरी आंखें हैं तो रजत भैया मेरी रोशनी है। ये सब क्या हो गया दीक्षा? वक्त की आंधी ने तो हमें तिनके की तरह बिखेर दिया। हालात की वजह से मैं आज जेल में हूं और एक और दुख हमारे ऊपर आन पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ दीक्षा, इस हादसे की वजह से हम सब की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। रजत, पापा का हाल बहुत बुरा है और मम्मी भी ऐसे जी रही है जैसे मैं जान ही ना हूं। उधर चंद्रा अंकल और आंटी का भी तो बुरा हाल होगा इस हादसे से। नेहा को तो बसने से पहले ही अपना घर संसार उजड़ता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा मत कहो दीक्षा, भगवान ना करे ऐसा हो। सुनो, तुम लोगों ने शुभम को तो नहीं बताया कि उसकी आंखों की? नहीं रजत, पापा ने सबको उसे कुछ भी बताने से मना किया है। ठीक ही किया उन्होंने, मुझे तो इस पर नसीब शुभम पर रोना आ रहा है। ना ही वो मेरा इल्जाम अपने सर पर लेता, ना ही उसको ये सजा होती और ना ही फिर उसका ये एक्सीडेंट होता। कल क्या होगा अगर ये इंसान को पहले से ही पता हो
तो इस संसार में होनी अनहोनी हो ही ना रजत। ठीक ही कहती हो तुम। अगर इंसान अपना भविष्य पहले से जान ले तो उसका कोई रास्ता ना सोच ले। दीक्षा, शुभम और मम्मी पापा का ख्याल रखना ताकि उन लोगों का हौसला बना रहे। शुभम का हौसला बना रहे इसके लिए हम उसे झूठी तसल्ली तो दे रहे हैं, पर अमर ये सब कब तक? आज डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल फिर से घबराने लगा है। वो इसलिए सुनंदा कि तुम उसके नेगेटिव बातों पर गौर कर रही हो। उसने जो पॉजिटिव बातें कही हैं उन पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि हमारा शुभम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हमें उसके इस यकीन पर यकीन रखना है सुनंदा। छोटे बाबूजी की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है लक्ष्मी। लो सुनंदा। अरे हाँ लक्ष्मी, तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बताओ क्या कहना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी ये? भाई यही तो मैं इससे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबूजी, आप लोग इस वक्त जिस हालात से गुजर रहे हैं मुझे ऐसे वक्त पे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर अरे बोल तो सही, बात क्या है? बीवी जी, मेरे मर्द की कानपुर में पक्की नौकरी लग गई है। अच्छा, और कानपुर में ही मेरा मायका और ससुराल दोनों हैं। हम दोनों ने फैसला किया है कि तुम लोग वहीं सेटल होना चाहते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा। बाबूजी, आप लोगों की नौकरी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा। छोटे बाबू भी हॉस्पिटल में है, मैं यहां से अभी जाना भी नहीं चाहती, लेकिन लेकिन तुमने जो अभी नया घर लिया उसका? वो हम बेच देंगे बाबूजी, बस अब हम वही बस जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं देखती हूँ। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अमर बाबू है घर पर? जी हाँ, आइए ना। अरे आओ आओ जोशी आओ। नमस्कार भाभी। नमस्ते, मैं इनके लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ आओ जोशी बैठो। और सुनाओ क्या खबर है? अरे भाई, एक केस के सिलसिले में पुणे गया हुआ था। आज सवेरे वापस लौटते पता चला कि तुम्हारे बेटे शुभम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें किसने बताया जोशी? मेरे सबॉर्डिनेट इंस्पेक्टर कामले ने तो केस फाइल किया था, और उसी ने ही तो शुभम को अस्पताल तक पहुंचाया। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उसकी? दो ऑपरेशन हो चुके हैं और तीसरा होने वाला है। कौन से डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं? आई स्पेशलिस्ट मिस्टर अत्रे और उनके साथ मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर संघवी। वेरी गुड, फिर तो घबराने की कोई बात नहीं अमर, दोनों काबिल डॉक्टर हैं और दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बात तुम जानते हो कि उनका रिकॉर्ड है कि आज दिन तक उनके हाथों से किए गए ऑपरेशन कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं रहा। गुड, वेरी गुड। मिस्टर चंद्रा, आई एम श्योर हमारा ये वेंचर बहुत सक्सेसफुल रहेगा। सर, मैंने आपकी जमीन के नक्शे और पेमेंट शेड्यूल पर अच्छी तरह गौर कर लिया है, मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी सर। तो फिर वकील से कह के अग्रीमेंट बनवा लिया जाए? जैसी आपकी इच्छा सर। मिस्टर चंद्रा, जिस तरह की आपकी फर्म की रेपुटेशन रही है मुझे उम्मीद है कि आप उसे बरकरार रखेंगे। जी आई मीन कि साउथ बॉम्बे वाली टाउनशिप आप टाइम से बना देंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बल्कि मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस प्रोजेक्ट को वक्त से पहले ही पूरा कर दूं। That's lovely. Hi Dad. Hi son. Come. Sorry Dad. आज पूरे दो दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बात दरअसल ये, जब मैं रात को घर आता हूँ तो आप सो चुके होते हैं, और जब मैं सवेरे सोकर उठता हूँ तो आप ऑफिस जा चुके होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने एग्जाम्स की थकान उतार रहे हो। आह, बाय द वे, इनसे मिलो। यह है मिस्टर दिनेश चंद्रा, चंद्रा कंस्ट्रक्शंस के मालिक। हेलो,
हेलो। और ये है मेरा इकलौता बेटा, मेरी करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस उदय सिंह। इसने अभी अभी अपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया है। बेटा, साउथ बॉम्बे में जो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसे मिस्टर चंद्रा ही कंप्लीट करेंगे। ओह, आई सी। तो मैं आज ही एग्रीमेंट पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ, दो एक दिन में हम साइन कर लेंगे। जी बेहतर है। सिंह साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। फरमाइए। अब जबकि हम लोग बिजनेस साथ साथ कर ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज रात का डिनर आप लोग क्यों ना मेरे घर पर करें। अरे रहने दीजिए चंद्रा साहब, फिर कभी सही। अभी तो बिजनेस के सफर में हमें बहुत आगे जाना है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बिजनेस रिलेशंस के साथ साथ अगर फैमिली रिलेशंस भी डेवलप हो जाएं तो एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है। सिंह साहब, अंकल इज राइट डैड, आजकल हर रिलेशन डाइनिंग टेबल पर ही तो डेवलप होते हैं। अच्छा, तो तुम भी चलोगे? व्हाई नॉट, जब अंकल इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हैं तो आपको भी इनकार नहीं करना चाहिए डैड। भाई मिस्टर चंद्रा, हम अपने बेटे की बात को इनकार नहीं कर सकते, इसलिए आज रात को हम दोनों आपके यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। ओके सन, थैंक यू डैड, आई विल बी ऑब्लाइज्ड सर। तो तुम उन लोगों को आज रात को डिनर पे इनवाइट कर आए हो ये जानते हुए कि तुम्हारा होने वाला दामाद हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है और इसी वजह से हम सब परेशान है। और तुम आशा प्लीज। दिनेश, हमको खुद अपने खाने की सुध-बुध नहीं है और तुम्हें मेहमान नवाजी की पड़ी है। देखो आशा, इस पार्टी से आज ही मेरी डील हुई है और आज रात को डाइनिंग टेबल पर हम लोग एग्रीमेंट भी बनवा लेंगे। डील तो तुम्हारी नागपाल के साथ भी हुई थी, और एग्रीमेंट का क्या है, वो तो तुम्हारा उसके साथ भी हुआ था। तो तुम क्या मुझे इतना स्टूपिड समझती हो कि मैं हर बार धोखा खा जाऊंगा? आशा, देखो इस जमीन का आरसीसी और आर्किटेक्ट प्लान मैंने अपने इंजीनियर से चेक करवा लिया है और ये पार्टी बिल्कुल जेन्युइन है। अगर इस जेन्युइन पार्टी को खाना खिलाने का इतना ही शौक है तो किसी होटल में ले जाओ, घर में बुलाने की क्या जरूरत है? ओहो आशा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे आज से पहले मैंने किसी को इनवाइट किया ही नहीं, मेरे बिजनेस ताल्लुकात के लोग कभी इस घर में आए ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा कब कह रही हूँ? इन सब बातों के लिए एक माहौल, एक मूड, एक दिमागी बैलेंस होने की बहुत जरूरत है, जो मुझे लगता नहीं है। मम्मी, जब पापा ने उन लोगों को डिनर पर इनवाइट कर ही लिया है तो आने दो ना, डिनर मैं बना लूंगी। नहीं नया, रहने दो, मैं खुद ही उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। नहीं पापा, इससे आपका इम्प्रेशन उन पर गलत पड़ सकता है और हो सकता है कि वो लोग नाराज हो जाएं। अच्छा होता दिनेश अगर इस बारे में तुम मुझसे पहले सलाह कर लेते। आई एम सॉरी आशा, मुझसे भूल हो गई, वाकई इन हालात में मुझे उन्हें इनवाइट नहीं करना चाहिए था। हम एक शरीफ आदमी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, किसी तवायफ के कोठे पर मुजरा सुनने या क्लब में कैबरे देखने नहीं। पर डैड, एक आध ड्रिंक से क्या फर्क पड़ता है, हल्का सा सुरूर ही तो आएगा। इस शहर को पीने से उम्र घटती है, बढ़ती नहीं। पर डैड, आप जानते हैं खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता जब तक के इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी आदतों का इतना गुलाम, ये अच्छा नहीं है बेटा। किसी भी चीज का इस्तेमाल तभी तक ठीक रहता है जब तक तुम्हें लगे कि तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बेटा जब चीजें इंसान को इस्तेमाल करने लगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। फॉर डैड, आप तो हमेशा छोटी छोटी बात पर लेक्चर देने लग जाते हैं, मैं तो बस यूं ही थोड़ा सा मूड बनाने के लिए। नहीं बेटा, जिस ख्याल को तुम मूड समझ रहे हो वो तुम्हारी कमजोरी है और कमजोरी इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। देखो बेटा, मेहनत, लगन, ईमानदारी की उड़ान भरता
आज मैं कामयाबी के जिस आसमान तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उससे भी कहीं आगे निकलो। ओके डैड, ओके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। चलो, वो लोग डिनर पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गम की छेड़े सितार संसार संसार ये संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार संसार।